सोलन में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहते हैं। इस मौके पर कांगड़ा से स्वास्थ्य मंत्री ने तीन जिलों सोलन, शिमला और मंडी को एनीमिया मुक्त करने के लिए ऑनलाइन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। विभाग द्वारा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सोलन उपायुक्त विनोद कुमार ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि तीनों जिलों में स्वास्थ्य मंत्री ने एनीमिया उन्मूलन का पायलट प्रोजेक्ट ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आशा वर्कर घर घर जाकर ग्रामीण वासियों को संतुलित खान पान के प्रति जागरूक करेंगे और जहां एनीमिया के लक्षण नजर आएंगे वहां आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत एनीमिया को तीनों जिलों से जड़ से खत्म किया जाएगा। आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट तीन जिलों में शुरू किया गया है, स्पेशली अनीमिया जिसको अल्परक्तता कहते हैं, जिसमें खून की कमी का इसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये कांगड़ा, शिमला और सोलन जिला में। तो इसका शुभारंभ माननीय मंत्री श्री विप्लव परमार जी द्वारा किया गया है कांगड़ा से। सो उसी सिलसिले में यहाँ पर वर्कशॉप थी, तो उसमें आज डॉक्टर आयुर्वेदिक विभाग के यहाँ पे हमारी आशा वर्कर्स हैं, मल्टी पर्पज़ वर्कर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको जागरूक करेंगे और ये घर घर जाके, गांव गांव जाके इसमें जैसे खून की जांच करेंगे, कोई अनियमित तो नहीं है, अनियमित तो उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जागरूक किया जाएगा सारे। एचडी के लिए सोलन से चिन्मय की रिपोर्ट।